हमारी दुनिया विभिन्न प्रकार के जानवरों से भरी पड़ी है। इस विशाल जंतु जगत में हम बहुत सारे प्राणियों से अवगत हैं। वहीं दूसरी ओर कई जीव ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये प्राणी जितने हमारे लिए अनजान और रहस्यमय होते हैं, इनके जन्म की प्रक्रिया भी हमें उतना ही हैरान कर देगी। एक जानवर के अंडे देने के बाद से लेकर अंडा फूटने तक इतने सारे रहस्यमय और चकित करने वाली घटनाएं हैं। यदि आप ये नहीं जानते तो आप बहुत सी बातों से अनजान रह जाएंगे। हमारे आज के वीडियो में हम कई परिचित और अपरिचित जानवर एवं उनके जन्म की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सेंटीपीड। हम अपने आसपास सेंटीपीड या ऐसे दिखने वाले अन्य प्राणियों को ही देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इन प्राणियों को देखते ही हमारे मन में घृणा पैदा होती है। सेंटीपीड की जन्म की प्रक्रिया वाकई अद्भुत है, तो इनके जन्म देने की प्रक्रिया जानने से पहले आइए इनके बारे में एक मजेदार तथ्य जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंटीपीड बिना किसी यौन संबंध के पैदा हो सकते हैं। हवा से ग्रहण करती हैं और नर सेंटीपीड छोटे जाले निकालकर प्रजनन शुरू कर देते हैं। ये इन जालों के शुक्राणु के पैकेज के लिए पात्र के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे वो मादा सेंटीपीड को पुनः प्राप्त करने के लिए छोड़ देते हैं। उससे वो गर्भवती हो जाती है। ये सच है, भले ही ये अनसुना लगता है। एक सेंटीपीड के अंडे देखना बहुत ही किस्मत की बात है, क्योंकि सेंटीपीड अपने अंडे जमीन के काफी नीचे रखते हैं और इन अंडों को बचाने के लिए माँ सेंटीपीड हमेशा अंडों से चिपकी रहती है। अंडे फूटने के बाद जब इनमें से बच्चा निकलता है, माँ सेंटीपीड इनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। हालांकि जन्म के बाद उनके कुछ पैर ठीक से काम करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके सारे पैर ठीक से खुलने लगते हैं। सी टर्टल। जैसे कि आपने सी टर्टल के नाम से अंदाजा लगा लिया होगा कि सी टर्टल समुद्र के तट पर अंडे देती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि किसी भी अन्य महासागर के तट पर अपने अंडे नहीं देती। ये अपने कुछ पसंदीदा समुद्री तटों पर ही अपने अंडे देती है। समुद्र के तट पर अंडा देने के लिए एक माँ कछुए को भूमिगत अंडे का कक्ष खोदना पड़ता है। उसके बाद एक माँ कछुआ वहाँ कम से कम 80 से 120 अंडे दे सकती है। हालांकि स्वाभाविक रूप से अंडे इतने सख्त होते हैं कि इतने दबाव से अंडे फूटते नहीं है। इन अंडों को देने के बाद एक माँ कछुआ अपने अंडे के पास रहने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी खतरे की आशंका होने के बाद माँ कछुआ अपने अंडे चैम्बर में छोड़कर भाग जाती है और वो कभी वापस नहीं आती। करीब 2 महीने बाद जब अंडा फूटता है तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। वे कुछ इस तरह समुद्र की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही अंडे कक्ष से बाहर आते हैं, वे जीवित रहने के लिए लड़ने लगते हैं। जब तक ये अपने अंडे के चैम्बर से समुद्र के पानी तक नहीं पहुंच जाते, उनकी मृत्यु विशाल छिपकली, केकड़े, गिद्धों के हाथों में निश्चित होती है। क्रोकोडाइल। एक क्रोकोडाइल भले ही किसी और जीव के अंडे चुरा कर खा सकता है, लेकिन ये अपने अंडों को लेकर बहुत सावधान और सतर्क रहता है। मगरमच्छ के अंडों को देखना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी मगरमच्छ जैसे आक्रामक जानवर का सामना नहीं करना चाहता। आमतौर पर एक मगरमच्छ एक बड़ा गड्ढे में इतना अंडे देती है ताकि वो बाकी जीवों से सुरक्षित रहे। हालांकि कई बार विशेष प्रजाति के मगरमच्छों को मिट्टी खोदकर अपना निवास बनाकर वहीं अपना अंडा देते देखा जाता है। गर्भावस्था में एक मादा मगरमच्छ कम से कम 30 से 60 अंडे दे सकती है। ये अंडा तोड़कर बच्चा 80 से 90 तक निकल जाता है। मगरमच्छों के पैदा होने के बाद भी माँ मगरमच्छ को उनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश अन्य जीव हैं जो एक मगरमच्छ के बच्चे का शिकार करते हैं। बुलफ्रॉग। बुलफ्रॉग अमेरिका और कनाडा में छोटे पोखर, तालाबों, जल निकायों में पाया जाता है। ये आकृति में 6 इंच के होते हैं और इनका वजन करीबन 175 ग्राम होता है। एक बुलफ्रॉग प्रजनन के लिए अपने मनपसंद साथी को ढूंढने के लिए एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करता है। इस विशेष ध्वनि को क्रॉकिन कहते हैं। इस विशिष्ट ध्वनि के द्वारा एक नर बुलफ्रॉग एक मादा बुलफ्रॉग को आकर्षित करने की कोशिश करता है। बुलफ्रॉग्स के प्रजनन का वक्त जून और जुलाई के महीने में होता है। गर्भावस्था के दौरान एक बुलफ्रॉग कम से कम 2000 अंडे दे सकती है। अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वे एक तालाब के पोखर वाले क्षेत्र में अंडे देते हैं। उनके अंडे मेंढकों की अन्य प्रजातियों की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन जब अंडा टूटता है तो उसमें से टॉडलेट्स निकलते हैं, तो उनका आकार मेंढकों की बाकी प्रजातियों से बड़ा होता है। अंडे देने के 3 से 5 दिनों के भीतर उसमें से टॉडलेट्स निकल जाते हैं।
भले इतने सारे बुलफ्रॉग एक ही बार में पैदा हो गए हों, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार बहुत ही कम बुलफ्रॉग पूरी तरह से मेंढक में बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि प्रकृति का कानून ही योग्यतम की उत्तरजीविता है। दरअसल बुलफ्रॉग पैदा होने के बाद अपने ही बच्चे को खा जाता है। स्पॉटेड सालामेंडर। एक स्पॉटेड सालामेंडर सर्दी के बाद पहली बारिश के वक्त अपना प्रजनन शुरू कर देती है। इस दौरान एक पुरुष सालामेंडर तालाब के पास प्रतीक्षा करता है। इसके बाद जब एक महिला सालामेंडर वहां उपस्थित होती है, तब नर सालामेंडर तालाब के तल पर अपना शुक्राणु छोड़ देता है। इसके बाद महिला सालामेंडर उसे ग्रहण करके गर्भवती हो जाती है। उसके बाद एक महिला सालामेंडर पानी के गहराई में अंडे देती है। अपनी गर्भावस्था में वो कम से कम 200 अंडे दे सकती है, क्योंकि वो पानी के काफी अंदर अंडे देती है। अंडे बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। 3 से 4 सप्ताह के बाद ये अंडे फूटकर लार्वा में बदल जाते हैं। ये लार्वा पानी के बाकी जानवरों की तरह ऑक्सीजन का ग्रहण करके जीवित रहते हैं, और 2 साल बाद ये लार्वा पूरी तरह से सेलामेंडर में बदल जाते हैं। बटरफ्लाई। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तितली या मोथ से ज्यादा अपने अंडों की देखभाल कर सके। वास्तव में अधिकांश अन्य जानवर अपने अंडों की देखभाल करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा है कि तितलियां या मोथ अपने अंडों की अधिक देखभाल करते हैं? आपको पता चल जाएगा यदि आप इस वीडियो को देखना जारी रखते हैं। दरअसल तितलियों के अंडे देने की प्रक्रिया बेहद हैरान करने वाली है। इससे पहले मैं इस वीडियो को विस्तार से समझाऊं, मैं चाहूंगा आप इस फुटेज को ठीक से देखिए। तितलियां अपने अंडे देने के लिए मिल्कवीड पौधे की मदद लेती हैं। तितली अपने अंडे पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियों पर देती है। अंडे देने से पहले ये पत्ती पर एक चिपचिपा पदार्थ चिपका देती है, ताकि अंडे नीचे न गिरें। तितली सबसे पहले 4 अंडे देती है, और फिर धीरे धीरे ये 200 अंडे देने में सक्षम होती है। प्रत्येक अंडे का आकार पेंसिल के शीशे की तरह होता है। ये अंडा 4 दिन में टूट जाता है। कैमेलियन। उनके अंडे वास्तव में अलग देखने में होते हैं। दरअसल गिरगिट जो अंडे देते हैं, वे अपना रंग पूरी तरह से अपने निवास के रंग के तरह बदल देते हैं, जिससे अंडे दूसरे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। जब उनके गर्भ से अंडे निकलने का वक्त आता है, तो वे मिट्टी को 4 से 5 इंच नीचे खोद डालते हैं, और उसमें 2 से लेकर 200 तक अंडे देते हैं। इसके ठीक 4 से 12 महीने बाद अंडे फूट कर एक नई प्रजाति का जन्म होता है। हालांकि बच्चा ठीक 2 साल बाद बड़ा होगा, और 2 साल बाद ही हम एक पूरा गिरगिट देख पाएंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गिरगिट की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग संख्या में अंडे देती हैं। यदि गिरगिट की कुछ प्रजातियां थोड़े भी अंडे देती हैं, तो फिर गिरगिट की दूसरी प्रजातियां 200 से ज्यादा अंडे दे सकती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको किस जीव के अंडे देने की प्रक्रिया पसंद आई, हमें नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन को दबाइए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में।